गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बीए सेकंड ईयर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। देखिए गर्ल्स, हमारा टॉपिक चल रहा है प्रजामंडल आंदोलन। ठीक है, तो हम लोगों ने ये जाना था कि किस तरह देशी रियासतों के जो शासक थे उन्होंने किस तरह अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली, और अधीनता स्वीकार करने के पश्चात वो दोनों क्या हो गए थे, एक हो गए थे, और दोनों ने मिलकर क्या करना शुरू कर दिया था, जनता का शोषण करना शुरू कर दिया था। देशी रियासतों के जो राजा थे और जो अंग्रेज सरकार थी उन्होंने मिलकर जनता का शोषण करना शुरू कर दिया था। अतः जनता ने ये जो देशी राज्यों के जो राजा थे और अंग्रेजी शासन के खिलाफ जनता क्या हो गई, संगठित हो गई, और संगठित होकर उन्होंने अपने अधिकारों की मांग की और आंदोलन चलाया। ठीक है, जो क्या कहलाया था, प्रजा मंडल आंदोलन। ठीक है, प्रजा क्या हो गई थी, प्रजा ने अपना एक मंडल बना लिया था, संगठित हो गई थी अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए और अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए। अतः अलग अलग प्रजामंडल आंदोलन हुए थे। तो इस कड़ी में हम लोगों ने बीकानेर प्रजामंडल के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब हम आज मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन, या मारवाड़ पहले आजकल जोधपुर भी कहा जाता है, इसे ही जोधपुर प्रजामंडल आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह जो मारवाड़ के जो देशी रियासत थी मारवाड़, यहाँ के जो राजा लोग थे, किस तरह उन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर अपने यहाँ जनता का शोषण किया, तो किस तरह जनता संगठित हो गई और जनता ने संगठित होकर अपना मंडल बनाकर किस तरह आंदोलन चलाया, तो उसके बारे में हम आज जोधपुर प्रजामंडल आंदोलन या मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, आपको कंफ्यूज मत हो जाना, कहीं जोधपुर प्रजामंडल आ जाए तो कहीं मारवाड़ प्रजामंडल आ जाए, तो दोनों एक ही बात है, जोधपुर प्रजामंडल आंदोलन या मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन। ठीक है, तो देखिए, ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट आंदोलन था मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन। इस पर कई छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंपटीशन एग्जाम में भी इसमें लेकर छोटे क्वेश्चन कई पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे, मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन। तो देखिए, अगर हम मारवाड़ राज्य की बात करते हैं, तो मारवाड़ राज्य ये जो देशी राज्य था, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा देशी राज्य है वो मारवाड़ ही था। ठीक है, या जोधपुर ही था, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देशी राज्य मारवाड़ या जोधपुर था। ठीक है, तो ये जो राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देशी राज्य था, यहाँ पर क्या हुआ था, 1920 की बात है, 1920 में मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना हुई थी। तो पेपर छोटा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना कब और कहाँ हुई थी, तो मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में मारवाड़ में हुई थी, और इसी मारवाड़ सेवा संघ को बाद में राजस्थान सेवा संघ भी कहा गया था। ठीक है, यही मारवाड़ सेवा संघ था, इसे राजस्थान सेवा संघ भी कहा गया था। ठीक है, तो 1920 में मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना हुई, और ये जो मारवाड़ सेवा संघ था, मारवाड़ सेवा संघ ने 1926 में एक आंदोलन चलाया था जानवरों की निकासी के लिए। 1926 में मारवाड़ सेवा संघ के द्वारा एक आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, ये आंदोलन चलाया, लेकिन सरकार ने क्या किया, दमन की नीति अपनाई। ठीक है, बहुत सारे लोगों को राज्य से बाहर निकाल दिया गया। अतः मारवाड़ सेवा संघ द्वारा चलाया गया ये आंदोलन क्या हो गया था, असफल हो गया था। देखिए, इसमें पूरा सेंटेंस है, 1926 में संघ ने जानवरों की निकासी के लिए आंदोलन चलाया, जो सरकार की दमन नीति के कारण क्या हो गया, असफल हो गया था। तो देखिए, इससे पहले क्या हुआ था कि मारवाड़ में, जोधपुर में 1917 में मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो ये देखिए, ये अलग अलग है, मारवाड़ सेवा संघ अलग है,
और ये अलग चीज है, ये अलग है। मारवाड़ हितकारिणी सभा कई बार अलग से पूछ लिया जाता है, मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी, तो 1917 में मारवाड़ में मारवाड़ हितकारिणी, हितकारिणी मतलब हित करने वाली सभा की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो 1917 में ये जो मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना हुई थी, इसमें क्या हो गया, 1922 में जय नारायण व्यास और चांदमल सुराणा इस संस्था में शामिल हो गए। ठीक है, और जैसे कि ये दोनों जय नारायण व्यास और चांदमल सुराणा इस संस्था में शामिल हुए, वैसे ही क्या हो गया, ये संस्था दिनों दिन तरक्की करने लग गई, है ना। इन दोनों व्यक्तियों ने लोगों में क्या लाए, राजनीतिक चेतना लाए, अधिकारों का ज्ञान होने लग गया। ठीक है, तो जय नारायण व्यास चांदमल के प्रयासों से लोगों में क्या आने लग गई, राजनीतिक जागृति आने लग गई। ठीक है, तो जब लोगों में जागृति आने लग गई, तो इस संस्था ने, इस संस्था में जो शामिल हुए थे जय नारायण व्यास और चांदमल सुराणा, जब लोगों में जागृति आई, तो इन लोग, ये जो लोग थे मारवाड़ हितकारिणी सभा के, इन्होंने राज्य से, अपने राज्य सरकार से एक मांग की थी। क्या कहा था कि स्थानीय लोगों के, जब भी सरकारी नौकरी निकलती थी तो बाहर वाले लोगों को प्रेफरेंस दी जाती थी, तो इस संस्था ने ये मांग की थी मारवाड़ हितकारिणी सभा ने कि स्थानीय लोगों के रहते, जब तक स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोगों के रहते बाहर के लोगों को नौकरी ना दी जाए। ठीक है, स्थानीय लोगों को ही नौकरी दी जाए। ठीक है, इस संस्था ने जब ये मांग की और क्या हो गया, सरकार ने इस संस्था को दबाने का प्रयास किया। ठीक है, और क्योंकि लोगों में चेतना आती जा रही थी, जैसे जैसे लोगों में चेतना आती जा रही थी, सरकार का उत्साह क्या होता जा रहा था, कम होता जा रहा था। और सरकार ने क्या किया, मारवाड़ राज्य सरकार ने 1924 में जय नारायण व्यास को राज्य से बाहर निकाल दिया, और इस संस्था के, मारवाड़ हितकारिणी सभा के अनेक लोगों को, और जिसमें जय नारायण व्यास भी शामिल थे, क्या कर दिया, राज्य से बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब क्या हो गया कि राज्य से बाहर निकाल दिया, लेकिन जय नारायण व्यास झुकने वाले नहीं थे। ठीक है, और जय नारायण व्यास ने लोगों में चेतना लाने के लिए क्या किया, व्यास जी ने, देखिए इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना करने का प्रयास किया। जोधपुर में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना का प्रयास किया। ठीक है, अब जब जय नारायण व्यास ने जोधपुर में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना का प्रयास किया, तो राज्य के प्रधानमंत्री, राज्य नाम लिख रही हूँ, राज्य के प्रधानमंत्री डोनाल्ड फ्रिड ने दमन की नीति अपना कर, दमन की नीति अपनाई। ठीक है, और ये जो मारवाड़ हितकारिणी सभा, ये जो देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना करने का प्रयास कर रही थी, ये इसको क्या कर दिया, असफल कर दिया। क्यों, क्योंकि डोनाल्ड फ्रिड ने दमन की नीति अपनाई। ठीक है, और डोनाल्ड फ्रिड ने क्या किया, ये जो संस्था थी मारवाड़ हितकारिणी, है ना, इसको क्या कर दिया, गैर कानूनी घोषित कर दिया। ठीक है, इस संस्था को गैर कानूनी घोषित कर दिया। अब देखो, जय नारायण व्यास तो चाहते थे कि लोगों में चेतना आए, वो क्या चाहते थे। ठीक है, देखिए एक चीज और है, जय नारायण व्यास ही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संपूर्ण राजस्थान का स्वप्न देखा था, सिर्फ राजस्थान का स्वप्न देखने वाला सर्वप्रथम जो व्यक्ति था वो व्यास जी ही थे। व्यास जी ने सबसे पहले सिर्फ राजस्थान का स्वप्न देखा था। ठीक है, और वो देखो, वो चाहते थे कि जनता में चेतना आए। ठीक है, और उनको लगा कि अगर जनता में चेतना लानी है तो प्रेस के माध्यम से जनता में चेतना लाई जाए, प्रेस के माध्यम से लोगों को अधिकारों कर्तव्यों के प्रति जागृत किया जाए, उनमें राजनीतिक चेतना लाई जाए। ठीक है, तो इसके लिए देखिए 28 वर्ष की आयु में ही उन्होंने अजमेर से प्रकाशित होने वाले तरुण राजस्थान के वो क्या बन गए थे, संपादक बन गए थे। ठीक है, कई बार छोटा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, अजमेर में जो प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था
तरुण राजस्थान, इसके संपादक कौन थे? जय नारायण व्यास जी ही इसके संपादक थे, ठीक है। और ये समाचार पत्रों प्रेस के माध्यम से लोगों में जागृति लाना चाहते थे, ठीक है। तो इसके बाद इन्होंने आगे क्या किया उसके बारे में हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।